क्या आप भी अपने फ़ोन में प्ले स्टोर को डाउनलोड करना चाहते हैं, या फिर आपके फ़ोन में प्ले स्टोर पहले से ही है और वो डिसेबल हो चुका है, तो उसे ठीक कैसे कर सकते हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ यही सब शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर ले। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो सबसे पहले हमें अपने फ़ोन में सेटिंग्स में आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो हमें ऊपर की तरफ सर्च में सर्च करना है। तो यहाँ पे आप ऐप्स या फिर ऐप मैनेजमेंट करके सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐप्स करके सर्च कर रही हूँ। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। तो हमें ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल रहा है ऑल ऐप्स। तो आपको भी इस तरीके से ढूंढ लेना है ऑल ऐप्स को। उसके बाद हमें इस पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हैं नीचे की तरफ हमें एक ऑप्शन मिल रहा है सी ऑल। तो हम इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे हमारे फ़ोन में जितने सारे ऐप्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है गूगल प्ले स्टोर, यानी कि हमारा जो प्ले स्टोर है वो यहाँ पर है। तो हमें इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल रहा है डिसेबल का। तो आपका जो प्ले स्टोर है वो डिसेबल हो गया होगा, तो यहाँ से आप इसे ठीक कर ले। या फिर यहाँ पे इसके बगल में एक ऑप्शन मिल रहा है फोर्स स्टॉप। तो यहाँ से अगर आपका ऐप जो है वो फोर्स स्टॉप है तो आप यहाँ से भी इसे ठीक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर को डिसेबल या फिर फोर्स स्टॉप से ठीक कर ले तो फिर वो दोबारा से वर्क करने लगेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप अपने फ़ोन में प्ले स्टोर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमें यहाँ से डायरेक्ट बैक करना है और चलना है हमें अपने फ़ोन के क्रोम पे। तो हम यहाँ से अपने क्रोम पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो हमें ऊपर की तरफ सर्च बार में सर्च करना है प्ले स्टोर डाउनलोड। तो हम इस तरीके से क्लिक कर लेंगे। आप प्ले स्टोर डाउनलोड या फिर गूगल प्ले स्टोर डाउनलोड करके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल रहा है डाउनलोड का ग्रीन कलर का। तो यहाँ से हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ से ऊपर के एक दो लिंक छोड़ के नीचे की लिंक पर क्लिक कर ले। उसके बाद हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल रहा है डाउनलोड का। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं हमारा जो प्ले स्टोर है वो डाउनलोड हो रहा है। उसके बाद हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है डाउनलोड एनी वे। तो हमें इस पर क्लिक करना है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो प्ले स्टोर है वो डाउनलोड हो रहा है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है, आपको बस लिंक का ध्यान रखना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर की तरफ हमारा जो गूगल प्ले स्टोर है वो डाउनलोड हो चुका है। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें चलना है अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पर। यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं हमारा जो प्ले स्टोर है वो डाउनलोड हो चुका है। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपके फ़ोन में प्ले स्टोर है लेकिन वो डिसेबल हो चुका है तो उसे ठीक भी कर सकते हैं, या फिर आप अपने फ़ोन में इस तरीके से प्ले स्टोर को डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।